नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 45 एजेंडों पर सरकार की आपसी सहमति बनी। बिहार सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए हैं। कैबिनेट के फैसले में बिहार सरकार शिक्षकों की बंपर बहाली निकालेगी। ये नियुक्तियां बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली 2023 के तहत होगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने शिक्षा सेवक का मानदेय 11,000 से बढ़ाकर 22,000 कर दिया गया है। साथ ही इसमें हर साल 5% की बढ़ोतरी होगी। साथ में विकास मित्रों के मानदेय में भी इजाफा किया गया है। उनका मानदेय 13,700 प्रतिमाह से बढ़ाकर 25,000 किया गया है। सैप जवानों के मानदेय में भी इजाफा किया गया है। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर को 20,700 की जगह अब 23,800 रुपए मिलेंगे। वहीं सैप जवानों का मानदेय 17,250 से बढ़कर 19,800 कर दिया गया है। साथ ही पूर्णिया, बेतिया, शिवहर, बोधगया, सीतामढ़ी और जहानाबाद में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज की स्वीकृति दी गई है। इन शहरों के ड्रेनेज सिस्टम पर लगभग 454 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पटना हाई कोर्ट में एक वकील जज से ये कहते सुना जा रहा था कि साहब, हमको अंग्रेजी नहीं आती, हमें हिंदी में अपनी बात कहनी है। अब पटना हाई कोर्ट में सिर्फ हिंदी में भी एफिडेविट दायर किए जाएंगे। सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए सुधा दूध का इंतजाम किया है और आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब लकड़ी के बजाय LPG गैस सिलेंडर पर खाना बनेगा। इस फैसले से सरकार के शिक्षा विभाग की हो रही लगातार किरकिरी से कुछ राहत मिलेगी और देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में इसका कितना फायदा नीतीश कुमार को होता है।